हेलो एवरीबॉडी। तो मैं हूँ अजन सैड और भाई हम अब पहुँच चुके हैं प्लेटिनम। और भाई आज का दिन भी काफ़ी बढ़िया रहा था। आज मैंने कम से कम 300 पॉइंट प्लस कर लिए हैं। काफ़ी सेफ खेल रहा हूँ मैं, ज़्यादा केल्स के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, बस चिकन डिनर का ट्राई करता हूँ। लेकिन चिकन डिनर नहीं हो नहीं पाता है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी इस वीडियो की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे इस गेम में मैं यहाँ पे आ चुका था अपने जॉर्जियो सिटी में, जो कि मेरा फेवरेट ड्रॉप लोकेशन है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपना लूट कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पे मेरे को उतर दे ही एक बॉट मिल जाता है। तो एक बॉट का यहाँ पे काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था मैं कि बॉट कब आएगा। और यहाँ पे मैं अपना एक किल तो अपने खाते में ले लेता हूँ। और यहाँ पे अगर देखोगे तो आप, एक बंदे ने यहाँ पे गाड़ी से बॉट मार दिया था। ये देखो एलेक्स जो भी उसका नाम था, उसने यहाँ पे गाड़ी से बॉट मार दिया था। अभी देखो मैं उसका क्या स्कैम करता हूँ। मेरे को लगा ही था वो यहाँ पे बॉट की फायर सुन के आएगा ही आएगा। अभी देखो आगे क्या होता है। और ये देखो ये चूती आ गया इधर बॉट मारने के लिए। अभी इसको दिक्कत ये है कि ऊपर मैं शायद वॉल कूद के मारूँ ऐसे, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी देखो रिस्क लेता हूँ। थोड़ा ओपन में जाके देखो। और ये चूतिया भाई यहाँ पे बॉट लूट रहा था। देखा मैंने बोला था ना, ये वही बंदा था गाड़ी वाला, और ये यहाँ पे बॉट फायर सुन के वापस आ गया था। चलो यहाँ पे अपनी फाइट खत्म होती है। मेरे को यहाँ पे दो किल मिल चुके थे, लेकिन यहाँ पे शायद एक और बॉट आने के चांसेस थे, इसलिए मैं थोड़ा सा और यहाँ पे रुका था। 25 सेकंड यहाँ पे बाकी थे और ये एक और बॉट यहाँ पे आ जाते और मेरे यहाँ पे एक तीसरा किल भी ले लेता हूँ। तो 3 फिनिश मेरे पास यहाँ पे आराम से हो चुके थे। अभी यहाँ पे जोन भी निकल चुका था आगे की तरफ, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे फटाफट से प्राइमरी अपना लूट, क्योंकि भाई इसमें हीलिंग ज़्यादा उठानी ज़रूरत है। भाई लास्ट में कुछ भी हो सकता है, तो हीलिंग्स काफ़ी ज़रूरत। एक और बॉट यहाँ पे जाते जाते मेरे को मिल जाता है, तो 4 फिनिशेस मेरे इधर ऐसे ही हो जाते हैं। और भाई आपने वीडियो देखा हो तो भाई फटाफट से भाई सब्सक्राइब मारो। भाई जिसने भी सब्सक्राइब नहीं मारे तो यार सब्सक्राइब मारो, क्या करते हो। तो यहाँ पे मैं अपनी सस्ती वाली डांसिया लेके निकल जाता हूँ और निकलता हूँ मैं सीधा ब्रिज कैंप की तरफ, क्योंकि जोन थोड़ा सा ऊपर की तरफ बन रहा होता है मिलिट्री की तरफ। तो मैं सोच रहा हूँ कि ब्रिज कैंप यहाँ पे लगाना थोड़ा सा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे किल मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं मेरे ब्रिज कैंप के ऊपर। तो मैं यहाँ पे अच्छे से अपना गाड़ी वाड़ी लगा देता हूँ और यहाँ पे ब्रिज कैंप करना चालू कर देता हूँ। मेरे को लगा था यहाँ पे एक या दो किल तो डेफिनेटली अपने को मिलने वाले थे। और यहाँ पे देखना अभी आगे एक बग्गी आके रुक चुकी थी, लेकिन वो बग्गी वाला पता नहीं कहाँ चला गया। वो रास्ते में अपनी बग्गी रोक के कहीं और भाग जाता है। और यहाँ पे देखो ये बंदा बिल्कुल आराम से अपना ब्रिज क्रॉस कर रहा था, जैसे कोई यहाँ पे है ही नहीं। और ये मेरे यहाँ पे 5 किल अब कम्प्लीट हो जाते हैं। ब्रिज कैंप पे अपने को एक किल मिल जाता है और अभी देखना क्या होता है। और जैसे मैं इसको लूट करने के लिए जाता हूँ, तो पीछे से मेरे को एक और बाइक की साउंड आ जाती है, तो पीछे एक और बंदे के आने के चांसेस हो जाते हैं भाई। और ये देखो ये बाइक आ चुकी है, यहाँ पे बंदा भी आ चुका है मतलब। तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा कैंप किया जाए, ताकि उसको भी यहाँ पे जोन में तो जाना ही होगा। 1 मिनट यहाँ पे बचा हुआ था, लेकिन वो बंदा भी यहाँ पे पीक नहीं ले रहा था। और देखो यहाँ पे उसने पीक लिया, लेकिन उसके पास यहाँ पे गिली सूट था, तो मेरे को डाउट था कि शायद उसके पास बोल्ट एक्शन में ऑम हो सकती है। तो भाई ऑम का एक फटका और यहाँ पे मेरा गेम फिनिश हो जाता। और अभी तक मैं टॉप 10 भी नहीं आया था, कि टॉप 11 तो एटलीस्ट आ ही चुके थे हम। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा रिस्क लेता हूँ कि भाई उसके पास शायद बोल्ट एक्शन ना हो और मैं उसको यहाँ पर फिनिश कर दूँ। लेकिन वो बंदा भी अभी पीक नहीं ले रहा था, और ये उसने पीक लिया, लेकिन उसके पास भी यहाँ पे देखो बोल्ट एक्शन तो नहीं थी। लेकिन फालतू में फिर रिस्क क्यों लेना, क्योंकि भाई स्कारल विथ 4x भाई टच वाला ना थोड़ी सी मेरे लिए मुश्किल हो रही थी भाई, क्योंकि हम आईपैड प्लेयर है और एंड्रॉयड में यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कंट्रोल करना दिक्कत वाली बात हो जाती है भाई। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फटाफट से स्मोक करता हूँ। मेरे को बंदे का डब्बा भी लूटना होता है ना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे M4 नहीं थी। तो मैं फटाफट से यहाँ पे, वो बंदा भी स्मोक में रैंडम फायर कर रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे फटाफट से अपना लूट कंप्लीट करके निकलता हूँ, क्योंकि डास्किया वो बंदे की यहाँ पे खड़ी हुई थी। और यहाँ पे मेरे को M4 तो मिल ही जाती है एटलीस्ट। टॉर्च से मैं यहाँ पे अपना बूस्ट अप करता हूँ और यहाँ पे जोन भी आना चालू हो चुका था। तो फालतू में जोन का डैमेज लेना कोई दिक्कत समझदारी वाली बात नहीं थी। वो बंदा भी यहाँ पे देखो पीक ले रहा था, पीक उसके पास भी यहाँ पे बाइक थी, लेकिन बाइक का पंचर अगर मैं कर देता तो उसका जोन में आना काफ़ी मुश्किल हो जाता। लेकिन
फालतू में रिस्क नहीं लेना था, हम यहाँ पे टॉप 10 तो आ ही चुके थे। टॉप 10 में आने के बाद आप कुछ भी किल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका माइनस तो लगने वाला नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे देखो, वो जो बग्घी यहाँ पे खड़े थे, वो बंदा पता नहीं कहाँ चला गया था। अभी देखना आगे क्या होता है। यहाँ पे ये बंदा अच्छा खासा कैंप कर रहा था और मैं सीधा उसके ऊपर गाड़ी ठोक देता हूँ। और ये बंदा बेचारा गाड़ी से, और मैं यहाँ पे जैसे ही ऊपर वाले अपने कंपाउंड में आ जाता हूँ, क्योंकि जोन यहाँ पे बन चुका था, तो मैं फटाफट से यहाँ पे उतरता हूँ। मेरे को बंदे का डब्बा भी यहाँ पे लूट करके आ चुका हूँ। बंदे के डब्बे में कुछ खास लूट यहाँ पे मेरे को मिली नहीं थी, बस 6x मिल गया था उसके पास से। यहाँ पे देखोगे तो जोन मेरा साथ वापस से छोड़ देता है। यहाँ पे एक कंपाउंड में कोई भी बंदा मौजूद नहीं था, जो भी बंदे थे यहाँ पे ऊपर की तरफ। और यहाँ पे देखो भाई, टॉप 5 में भी यहाँ पे मेरे पास बॉट आ रहा है भाई। देख रहे हो भाई अपना लक कैसा चल रहा है भाई। 8 किल अपने पास फिनिश हो चुके थे, तो 8 किल के साथ डेफिनेटली अपने को 30+ तो यहाँ पे मिलना ही मिलने वाला था, क्योंकि हम टॉप 4 भी आ चुके थे अब। मैं यहाँ पे गलती क्या कर देता हूँ वो देखो, मैं यहाँ पे गाड़ी अपने छोड़ देता हूँ पीछे की तरफ भाई। अगर मैं यहाँ पे डासे लेके थोड़ा और जोन के अंदर जाने की ट्राई करता, तो मैं यहाँ पे चिकन निकलने के चांसेस बन सकते थे, क्योंकि गाड़ियों का कवर बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बंदे यहाँ पे देखोगे तो सब यहाँ पे कैंप करते हैं भाई, सांप बन के बैठे रहते हैं, ये यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है भाई अपने को। क्योंकि एक तो FPV में भाई सांप बन के बंदों को मारना काफ़ी दिक्कत वाली बात होती है। अगर आप ऑलरेडी सांप बन के बैठे हो तो भाई कोई भी आपकी तरफ आएगा तो आप उसको आसानी से पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको साउंड आ जाता है और आपको मालूम ही होगा FPV पूरा साउंड का खेल है भाई। और यहाँ पे मैं स्पॉट करने का ट्राई करता था, क्योंकि यहाँ पे बंदे हो सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा वाला रिज है, तो यहाँ पे बंदे के होने का काफ़ी यहाँ चांस रहता है। तो मैं यहाँ पे स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरे को कोई भी दिखता नहीं। और जोन देखो भाई, पूरा ऊपर की तरफ भाई, अपना साथ ही नहीं दे रहा था जोन यहाँ पे। फटाफट से मैं जाता हूँ जोन की तरफ और देखो अभी क्या होता है। भाई जोन अपना साथ ही नहीं दे रहा था, जैसे तैसे करते मैं यहाँ पे जोन के अंदर तो आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे बंदे स्पॉट करना काफ़ी मुश्किल वाला, सब पूरा यहाँ पे सांप का खेल होने वाला था। और ये देखो भाई, पूरा यहाँ पे मेरे को सांप ने भर दिया। मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे गाड़ी अगर होती तो कुछ फ़ायदा होता मेरे को, चलो ये सांप मेरे को मार गया भाई।